ईडी के तीसरे सम्मन के बाद भी अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए। अब इन्हें कट्टर बेईमान केजरीवाल कहें, भगोड़ा केजरीवाल कहें, डरपोक केजरीवाल कहें, या कानून का असम्मान करने वाले, संविधान पर विश्वास ना करने वाला केजरीवाल कहें, किस बात का डर है? अगर आप पाक साफ हैं तो फेस करने में क्यों डरते हैं? अनेक राजनेताओं का उदाहरण है, उन्होंने फेस किया है, कुछ पाक साफ निकले हैं और जो बेईमान थे वो जेल के अंदर गए हैं। अरविंद केजरीवाल को डर यह है कि अली बाबा 40 चोर की कहानी सुनी होगी आपने, 40 चोर अंदर गए हैं, 40 चोर में से कई चोरों ने सरकारी गवाह बनकर इनकी परत दर परत खोल दी है, इसलिए ये शराब घोटाले का किंगपिन डरा हुआ है, इसलिए क्योंकि ये शराब घोटाले का, भ्रष्टाचार का शिल्पकार है, जिन्होंने भोला भाला चेहरा बना करके दिल्ली की जनता को लूटने का काम किया है, ठगने का काम किया है, भ्रष्टाचार करने का पाप किया है। बकरे की मां कब तक खैर बनाएगी? पाप किया है तो जेल तो जाएगा। अरविंद केजरीवाल, अगर आप में हिम्मत और शर्म है तो आप कानून का सम्मान कीजिए और सहयोग कीजिए। आपने दिल्ली वालों से पूछकर के भ्रष्टाचार किया था, तब मोहल्ला सभा क्यों नहीं की थी?